गाइस देखो अभी घूमने जा रहे थे घर से वहाँ पर वापिस, तो अभी जिमी ने इस पर टायर पे टैग बोल दिया और टैग। गाइस तो कभी भी रनिंग करके खड़े होके पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी। ऊंट ऊंट सही नाली ना कूदनी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल वेरी वेल। तो गाइस आज बहुत दिनों बाद व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, क्योंकि कारण ये था मैंने बाल कटवा लिए, बहुत ज़्यादा बाल लंबे हो रहे थे तो घर का ने कटवा दिए थे, इस वजह व्लॉग नहीं कर रहा था। तो अब जाके थोड़े सेट हुए हैं एक हफ्ते के बाद, तो भी मैं खेतों की साइड आया हूँ घूमने साइकिल पर, और साथ में साहिल भी है और जिमी को भी लेकर आए क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे मुझे आए हुए, टाइम भी नहीं लगता, इस वजह से व्लॉग भी नहीं बना रहा था। और तो आ जाए हूँ घूमने भी, जिमी को भी घुमाने, और जिमी ने कर लिया पोटी यहाँ पर, तो भी ये थोड़ी सी घुमाई कर रही है और साथ में मैं भी घूम रहा हूँ, और वहाँ पे बम भटक रही है गांव में इस तरफ, तो अभी दिखाते हैं और वो लोग में आगे आपसे क्या क्या करेंगे। हम यहाँ पर घूमने आए हैं तो बने रहना इस व्लॉग में। गाइस देखो अभी घूमने जा रहे थे घर से वहाँ पर वापस, तो अभी जिमी ने इस पर टायर पे टैग बोल दिया है और टायर को भी पिंचर करेगी खाएगी, अभी मार नहीं रही है, साहिल उसको बुला रहा है, बुला इसने इसने जल्दी देख टायर करेगी वो काम के दी, पिंचर करेगी भाई साहब यो। जिमी ले, जिमी रुक जा, देख सू जिमी सू सू कहते बात जाए, देखो प्रे ना कुत्ता बोल लेना इस मारी बात जन की सोच रही है, देखिए पिंचर तो ना हो गया भाई। आजा जिमी, तो अभी टायर छोड़ दिया था, फिर दोबारा से आगे आ गया और फिर पकड़ लिया टायर, अभी इसकी पिटाई हो रही है, इसका मार देना दो तीन सी, सुने ना रही हो क्या बाजली मारे आगे आगे, अरे हम रुकते हैं ना फिर टायर पकड़ लेगी, देखो ये चल रही है साइड। जिमी आजा, जिमी जिमी सू सू जिमी सू ले 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 जिमी। गाइस तो अभी जिमी के गले में उन्हें पट्टा डाल दिया क्योंकि वहाँ पर है ना एक कुत्ता हैगा, तो उसके पीछे भाग दिए यो, तो उसे बचाने के लिए उसको पाड़ भी लेती है, तो अभी वहाँ पे पहले आए थे ना जब उस साइड बढ़ गया था, तो अभी भी वहाँ पे ही है और उसके कहने लखा रही है जिमी जिमी अटैक, वो देखो उसकी नज़र उस पर ही है, तो अभी इसको घर पर बांध के आते हैं और फिर जाते हैं रनिंग करने, आपसे भी दिखाते हैं। One hour later. तो अभी हम जा रहे हैं रनिंग करने और मैं भी दोबारा आ चुका हूँ जूते पहन कर, साहिल भी आ चुका है, तो अभी साथ में साहिल लिए रहा मेरे साथ ही है और ये रस्सी लेकर आया है, और यहाँ पर इसमें बोतल में पानी है, साइकिल पे टंगा हुआ है, और तो अभी आज इसकी कड़े वाली एक्सरसाइज करवाता हूँ क्योंकि इसका वेट हो गया ज़्यादा, ये बोल रहा एक्सरसाइज करवाइए मेरी, तो आज इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगा और थोड़ी बहुत मैं भी करूँगा घने दिन मैं करूँगा आज एक्सरसाइज रनिंग वगैरह, तो दिखाते आपसे बने रहना वो लोग में, और मेरी साइकिल बस्ती पड़ती पड़ती बच गई है, अब पड़ जाता वो लोग के चक्कर में। गाइस तो भी आ चुके हैं ट्यूबल पर और अभी यहाँ पर थोड़ी अपनी आउटफिट चेंज करते हैं, मैं तो करवाऊंगी नहीं क्योंकि प्लान चेंज हो गया, साहिल बोल रहा है मैं मारूंगा 5 किलोमीटर रनिंग, तो अभी ये मारेगा 5 किलोमीटर रनिंग और मैं साइकिल पे इसके पीछे पीछे फ़ोन में टाइम सेट करके और इसके साथ चलूँगा, मैं वहाँ पर कुटी पर जहाँ रस्सा लटका हूँ वहाँ पर रस्सा मारूँगा और फिर रस्सा मारते हैं, अभी ये यहाँ पर अपना चेंज वगैरह कर रहा है, लंगोट वगैरह बांध रहा है, तो चलो बांध लो तुम जाकर पीछे, यहाँ पर साइकिल कर दी यहाँ पर रस्सी साइड टांग दी। तो गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई आज, तो इस वजह से थोड़ी गर्मी और निकाल दी अपने शरीर की रस्सा मार कर रनिंग कर कर, क्योंकि अभी फिजिकल भी आने वाला है तो उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी 1600 मीटर की, तो इस वजह से रनिंग स्टार्ट कर दी आज से। तो गाइस दो भी आ चुके हैं अपने ट्रैक के पास और अभी कर रहे एक्सरसाइज, साइकिल कर रहा है एक्सरसाइज और मैं तो साइकिल पर ही हो जाएगी मेरी एक्सरसाइज, ये खड़ी साइकिल तो भी एक्सरसाइज कराऊंगा, और मैंने फ़ोन में टाइमर का भी ओपन कर लिया है देखो दिख रहा होगा, और ये भी एक्सरसाइज करने के बाद फिर टाइमर लगा कर और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे घूम के वहाँ से पीछे से देखो जो आगे वो बंदा जा रहा है वहाँ से वहाँ तक वहाँ से और एंड पॉइंट वहाँ पर करेंगे जा रहा सर लटका हुआ है, क्या पता यहाँ भी कर ले कुछ नहीं पता, तो फिर उसके बाद रस्सा मारेंगे कहाँ थे इस साइड थे ठीक है, तो इस साइड से हो गया डन, यहाँ से ऐसे जाएंगे और ऐसे यहाँ पर आके स्टॉप कर देंगे
और फिर वहाँ से वहाँ तक रस्सा मारने जाएंगे। अभी ये करा एक्सरसाइज, स्टार्ट करते हैं। साहिल भी हो गया रेडी, अभी बोलता हूँ 1 2 3 स्टार्ट। हो गया स्टार्ट, ये भी बाज पड़ा है वहाँ। तो ये सामने आ रहे ना, ये हमारी सोसाइटी के बंदे हैं। और देखो इस साइड हरियाणा और इस साइड यूपी, और ये हम चल रहे बीच में बॉर्डर पर, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर। और रोड देखो कैसा है, टूटा पड़ा बिल्कुल, और आगे से गाड़ी आ रही है दूल्हे की। घरे बैठे मारदा नी गल्ला। गाइस तो अभी बैराबाग की पूरी सिटी के पास आकर रुक गए हैं, क्योंकि यहाँ टोल टैक्स है, टोल टैक्स कटेगा यहाँ पर। तो देख सकते हो यहाँ से अभी रह गया था 2.5 किलोमीटर, तो अभी इसके सांस फूल गए। अभी यहाँ पर रुक गया, मैं भी रुक गया हूँ, थोड़ा आराम कर रही है अभी, और तब तक के लिए बैठते हैं यहाँ पर। ये मिल गई सीट, और तू भाई खड़ा होकर आराम कर इतने। गाइस तो कभी भी रनिंग करके खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, बैठ के पानी पीना चाहिए। और देखो जैसे साहिल कर रहा है, मेरे रूल फॉलो, तो मैं इसको आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ सारी 5 किलोमीटर रनिंग की। तो अभी आ चुके हैं ट्रैक पर अपने, और टाइम देख सकते हो, ये होया साहिल का 4 किलोमीटर रनिंग का टाइम, और इसने वहाँ पर ही एंड कर दी थी वहाँ पर। तो वहाँ से पैदल आए हैं, और मुझे भी नहीं मारने दी रनिंग, और रस्सा भी नहीं मारने दिया। और अब यहाँ पर बेर पाए मुझे, हमें देखो ये रे बेर तोड़ने का तरीका देखो इसका, ये 4-5 लाग रहे ना, ये मोटे ये मीठे पाओगे भाई, 4 निकल ही लाग रहे यार ट्रैक के धोरे। देख अपने ट्रैक के पास, ट्रैक भी देखो किस हो रहा है हमने सफाई, ठीक है। अरे दिखा दे अरे दे दे एक दो, देखो ये बेर मिल रहा है, मीठा है बिल्कुल। खा लिया तेरा भी खा लिया। गाइस बैठ चुके हैं, अभी हम थक गए हैं वहाँ से। मैं तो साइकिल पर आया था, और साहिल ने बीच में ही रोक दी, 5 किलोमीटर मारनी थी तो इसने मारी 4 किलोमीटर, जो मैंने आपसे टाइम दिखाया था उस टाइम में। और वहाँ पे रुक गया था टूल टैक्स पर, तो इस वजह से वहाँ पे ढलान था, तो वहाँ पे रुक गए, और इसने मारी नहीं मारी। और क्योंकि इसने सुबह भी की थी रनिंग, क्या किलो सुबह कितनी करी थी, सुबह 5 किलोमीटर रनिंग करी थी सिंथेटिक ट्रैक पर, सिंघू वाले दिल्ली वाले पे। तो अभी फिर मैं बोला कि ये बोला था मुझे रोड पर मारनी है, तो रोड पे भी मार रहा था फिर आज, और मुझे भी नहीं मारने दी ना रस्सा ना कुछ। तो मैं थक गया हूँ, मैं बैठ गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं खा रहा हूँ बेर। हाँ, और अभी यहाँ पर रस्सी कूद देंगे थोड़ी बहुत, डॉक्टर जा रहा है तोड़ेगा, तो बने रहना वो लोग में, कुछ सीखने को भी मिलेगा हमारे वो लोग में। साहिल भाई कुछ ज्ञान देंगे आज आपको, क्योंकि हमारे फैमिली वो लोग हैं।
और फैट ज्यादा है ना इस वजह से। तू बता भाई तेरा फैट ज्यादा है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तू क्या क्या खाता है क्या नहीं खाता। सुबह उठो, उठते ही रोटी मिलेगी। ना सही सही बता नू थोड़ी। आठ आठ नौ रोटियों की नाट तोड़ो, सीत लो, दही लो और सब्जी लो, इतना घी धरो और मोच लो। और जो फैट है, फैट की बताई तो वेट बढ़ाने की बताई है तेने। सुबह उठो हाँ, क्या बजे वो तो आप मर्जी है। अरे भाई सुबह उठ के थोड़ा सा निवा ऐसा पानी करो और उसमें एक नींबू निचोड़ो और फिर मतलब 5-10 मिनट ऊँ घूम लो और फिर मतलब बढ़िया फ्रेश हो जाएगा और फिर अपना उठ जाओ। मतलब जीत भी तुमने दौड़ दाड़ करने जाना, रनिंग करने जाना है और फिर उड़े सबसे पहले जाते एक्सरसाइज करो, फिर ना सबसे पहले जाते थोड़ा वार्म अप करो, फिर थोड़ी एक्सरसाइज करो और फिर दौड़ मारो, फिर एक्सरसाइज रनिंग के बाद दौड़ जरूर, वो एक्सरसाइज जरूरी, रनिंग के बाद एक्सरसाइज जरूरी आएगी, नहीं तो दौड़ का कोई फायदा नहीं, फायदा ना कुछ भी। और खाने पीने में सब खाने पीने में भाई ना तो कुछ तड़ा और खाना चाहिए ना, मतलब फास्ट फूड वगैरह कुछ नहीं है और ना कोई स्वीट्स खाने चाहिए, मतलब मिठाई वगैरह मीठा ये बस। थैंक यू। तो अभी वेट कम करने के लिए रस्सी कूद रहा है साहिल भाई, तो मुझे तो आती भी नहीं कूदनी, कभी भी नहीं कूदा, लेकिन आज आपके सामने एक बार कूद के दिखाऊंगा और फिर देख लेना मैंने कैसे आता है कूदना कैसे नहीं। साहिल तो देखो काटे मार के भी कूद देता है, देखो अभी रुक गया, नज़र लग गई इसको, अब मेरी बारी आ गई है। ऊँट ऊँट सही नाली ना कूदनी, तू कूदा करेगा ना देखो लजगी, तो इस बारी में रस्सी नहीं आती है, छोरी वाले काम अपने बस की ना है, अपने सिक्स पैक रहा देखो पहले ये रे देखो नो जेर जेर रस्सी। अरे ओ रे मत दोबारा कूदो और के करेंगे हम ना कूदे जाती। 10 minutes later तो भी आ चुका हूँ घर पर और अभी रनिंग करके आया है, तो अभी ले रहा हूँ मैं दूध और ये राजग में दूध और ये बादाम मैंने आज बेनी और लास्ट यही बचे हुए है, तो अभी ये ले रहा हूँ बादाम और दूध, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning.